नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बारे में। आज का हमारा एजेंडा है फॉर्मूलाज रिबन। हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलाज रिबन में अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में, किस प्रकार हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार प्री मेड फंक्शंस को हम अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूलाज रिबन में अवेलेबल कुछ फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। हमारे पास मुख्यतया कुछ कैटेगरीज में फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं अवेलेबल हैं, उनमें लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, डेट और टाइम के फंक्शन हैं, और भी कुछ अन्य फंक्शंस हैं जो एक्सेल की लाइब्रेरी में हैं। हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में काम करने के दौरान। इसी प्रकार फॉर्मूला कैटेगरी के बाद हम बात करते हैं नेम मैनेजर पर। चित्र में दिखाई दे रहा है, हम ग्रुप ऑफ सेल्स को एक नाम भी दे सकते हैं जिसको हम नेम मैनेजर कहते हैं। इस काम के लिए हमें चित्र में दिखाई दे रहे डिफाइन नेम बटन पर क्लिक करना होगा, और साथ ही नेम डिफाइन करने से पहले अपने सेल के समूह को सेलेक्ट करना होगा। किस प्रकार फॉर्मूला ऑडिटिंग काम करता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, चित्र में फॉर्मूला ऑडिटिंग का टैब ग्रुप दिखाया गया है। किस प्रकार हम अपने फॉर्मूला को शो कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं कि कोई सम अगर हमारे पास हासिल हुआ है उसके डिपेंडेंट्स क्या हैं। स्क्रीन पर दाहिनी ओर जो चित्र लगा है उसमें आपको दिखाई दे रहा है सेल डे वन और डे टू की सेल उसमें दिखी लिखी हुई है। उस सेल में आप देखेंगे एक एरो का निशान बना हुआ है जो ये बताना चाह रहा है कि जो टोटल है वो किन किन डिपेंडेंट्स फैक्टर पर निकला हुआ है। अगर हम चाहते हैं ये देखना कि किस प्रकार से ये ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस प्रेसिडेंट काम करता है, तो हम उसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। चित्र में डिपेंडेंट का एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसी प्रकार डेटा रिबन पर कुछ हमारे पास सुविधाएं हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को ग्रुप में बना सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस डेटा रिबन पर हमारे पास अवेलेबल हैं, हम बात करने जा रहे हैं। हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अदर फाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और हम सेलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, उस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा को मैनेज करने के लिए। चित्र में दिखाई दे रहा है किस प्रकार हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। डेटा को सॉर्ट और फिल्टर भी किया जा सकता है। सॉर्ट का अर्थ है क्रमबद्ध तरीके से रखना। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की क्रमबद्धता है, बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, और साथ ही हम फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर का अर्थ है कि हम डेटा को अपने अनुरूप सेलेक्ट करके शो कर सकते हैं कस्टम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। डेटा टूल्स पर हम बात कर रहे हैं। टेक्स्ट टू कॉलम एक कमांड, एक फैसिलिटी हमारे पास है। हम डेटा को अलग अलग कॉलम्स में सेट कर सकते हैं। किसी एक डेटा में से हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, जिस भी प्रकार हम चाह रहे हैं सेलेक्टेड एरिया में से। डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं इत्यादि। आउटलाइन में हम ग्रुप बना सकते हैं, उनको अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं। इसी प्रकार रिव्यू रिबन पर हम बात कर रहे हैं। रिव्यू रिबन पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कमेंट्स का इस्तेमाल और प्रूफ और रिव्यू का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर पाएंगे। आपने एक्सेल पर कुछ लिखा है, आप चाह रहे हैं उसका स्पेल चेकिंग किया जाए। चित्र में आपको दिखाया जा रहा है स्पेलिंग, रिसर्च, थ्रेजर्स, ट्रांसलेट। हम इन सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेलिंग अगर आपको लगता है कुछ गलत है, उसको सिलेक्ट करके आप स्पेल पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सही स्पेलिंग का सजेशन दिया जा सकता है, या आप उसको ऐड करके इसकी ऐड टू डिक्शनरी एक ऑप्शन आता है, आप लाइब्रेरी में नया शब्द ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट डिलीट करना, प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट पर जाना,
या लिखे हुए कमेंट को एडिट करना, ये सब चीज़ें चित्र में प्रदर्शित की जा रही हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही कमेंट्स को हाइड और शो भी कर सकते हैं। अपनी डेटा शीट पर, वर्कशीट पर डेटा को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ट्रैक चेंज हो या प्रोटेक्ट शीट को करना हो, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं चेंजेज टैब ग्रुप के माध्यम से। कुछ और बेसिक बातें एक्सेल के बारे में, किस प्रकार उसमें काम करना आसान हो सकता है, रोज और कॉलम की रेंज, नया डेटा ऐड करना, ऑटो फिल करना, कॉपी पेस्ट, ड्रैग ड्रॉप, इंसर्ट रो कॉलम इत्यादि चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। डेटा को फाइंड रिप्लेस करना, ये कॉलम और रोज का एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कॉलम और रोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम सेल कहते हैं। चित्र में सेल, कॉलम और रो को हाईलाइट करके प्रदर्शित किया गया है, जिससे हम जान पाएंगे किस समूह को सेल, किस समूह को कॉलम और किस समूह को रो कहते हैं। किस प्रकार से रो और कॉलम के समूह को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चित्र में सेलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। किस प्रकार हम सेल का नाम रख सकते हैं, एक डेटा शीट क्रिएट की गई है जिसमें कुछ नंबर्स भी लिखे गए हैं और साथ ही उनके कुछ लेबल्स भी लिखे गए हैं। बहुत आसानी से आप टेबल फॉर्मेट में अपने डेटा को सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। किस प्रकार किसी एक सेल पर आप डेटा को एंटर कर सकते हैं या एक सेल पर एंटर किए हुए डेटा को एडिट कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाइए। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाने के प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्राप्त होगा। चित्र में प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है, प्रिंटर का चुनाव कीजिए। आपको नंबर ऑफ कॉपीज उस डेटा की कितनी चाहिए, उस शीट की कितनी चाहिए, वो आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। आपका सोर्स क्या रहेगा, आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, एक्टिव शीट प्रिंट करना चाह रहे हैं या आपका शीट पर कुछ सेलों का समूह या रो और कॉलम सेलेक्टेड हैं, तो आप सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए और आप प्रिंट दे सकते हैं। किस प्रकार से आप ऑटो सम, ऑटो फिल या ऑटो कंप्लीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बात करने जा रहे हैं। ऑटो फिल क्या चीज़ है, आपने एक सीरीज में चित्र में दिखाई दे रहा है, आपने 1990 लिखा हुआ है और उसके अगले रो पर 1991 लिखा है। अगर इसी प्रकार की सीरीज आपको और आगे तक ले जानी है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, जो है आपका माउस का कर्सर प्लस में कन्वर्ट हो जाए, आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं, जिसको हम ऑटो फिल कहते हैं, अर्थात ऑटोमेटिक फिल होगा। इसी प्रकार ऑटो सम है, चित्र में आपको ऑटो सम दिखाई दे रहा है, किस प्रकार किया गया है। कुछ वैल्यूज़ को अगर आप सम करना चाह रहे हैं, आप सेलेक्ट कीजिए और सिग्मा के साइन पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको ऑटोमेटिकली उनका सम कर देगा, एडिशन कर देगा। ऑटो कंप्लीट दूसरी सुविधा है, दूसरा फीचर है एक्सेल का। आपने चित्र में दिखाई दे रहा है, आपको आपने जॉन लिखा हुआ है A2 सेल पर, A3 सेल पर आप जो है जे टाइप करते हैं, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप फिर से जॉन लिखना चाह रहे हैं। अगर आपकी स्थिति हाँ में है, तो आप उसको एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा पूरा नाम आप टाइप कीजिए। ये ऑटो कंप्लीट है, ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट करने का निर्देश दे रहा है। किस प्रकार आप फॉर्मूला लिख पाएंगे, कुछ एक्सेल में फंक्शंस हैं जो बने बनाए हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके अलावा कुछ फॉर्मूला आप स्वयं क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी सेल में इक्वल का साइन प्रेस कीजिए, चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है, B2 × C2, अर्थात B2 में रखी वैल्यू को C2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आप इस तरह से स्वयं भी कुछ फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कुछ बात कर रहे थे हम, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे थे, एक्सेल में किस प्रकार आप कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार आप डिफरेंट मेन्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके आइकन को आप कैसे पहचान सकते हैं, किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके काम आया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।